Garichu. Ganuchu. Garichu. 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 दोस्तों अभी हम द्रास से कारगिल के लिए निकल चुके हैं और कारगिल यहाँ से 58 किलोमीटर है। तो पहले हम कारगिल वॉर मेमोरियल देखेंगे, उसके बाद में हम कारगिल के लिए जाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं कारगिल के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी राइडर रुके हुए हैं क्योंकि सामने कारगिल वॉर मेमोरियल आने वाला है, तो ये सभी वहाँ पर विजिट करके जाएंगे और हम भी कारगिल वॉर मेमोरियल को विजिट करके ही जाएंगे। तो थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। तो आप सामने देख रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल आ चुका है और सामने हमारे साथी भी खड़े हुए हैं जो कि हमें हाथ दे रहे हैं रुकने के लिए। तो अभी हम भी यहाँ पर रुकेंगे, तो हम बाइक को साइड में लगाते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, जहां पर कारगिल वॉर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं यहां पर जो आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र, 17 जेट रेजिमेंट से थे, विजय थापड़ हेलीपैड। ये जो है ये हेलीपैड है विजय थापड़, यहाँ पर ये हैं मेजर पद्मनी आचार्य, 2nd राजपूताना राइफल्स, ये कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। दोस्तों आप सामने ये देख रहे हैं, ये गनर है जिसकी कारगिल युद्ध में अहम भूमिका रही थी और इसको युद्ध में यूज लिया गया था पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। और ये बैटल ऑफ PT-5140 गन हिल है और यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप, पूरा इसके बारे में पूरी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है, सारा बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे कैसे क्या यूज लिया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको कारगिल युद्ध में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनका पूरा इतिहास जानने को मिलेगा। जो भी वेपन कारगिल युद्ध में यूज किया गया था वो सारे वेपन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अंदर एक म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर जो पाकिस्तान की सेना से ID और वेपन बरामद किए गए थे वो भी वहाँ पर अंदर लगा रखे हैं। उसके अलावा भी वहाँ पर हिस्ट्री वगैरह भी लिखी हुई है जो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, वो आप डायरेक्ट अंदर आके देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, 1/11 गोरखा राइफल्स, मेजर विवेक गुप्ता, 2nd राजपूताना राइफल्स। दोस्तों अभी हम कारगिल वॉर मेमोरियल से बाहर आ गए हैं और बाहर आप सामने देख रहे हैं वहाँ भी एक कारगिल युद्ध का एक स्टैचू बना रखा है हमारे फौजी भाइयों का। और ये मेन गेट है यहाँ से एंट्री करने का, तो हम अंदर जाके आ चुके हैं। दोस्तों कारगिल वॉर मेमोरियल देखने के बाद में हमने वापस हमारी राइड स्टार्ट कर दी है और अब हम कारगिल की ओर निकल चुके हैं। तो कारगिल ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से पास ही है कारगिल, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, करीब 1 घंटा तो हमें यहाँ से कारगिल पहुँचने में लगेगा। तो अभी हम निकल चुके हैं रास्ते में। दोस्तों आप ये नदी देख रहे हैं, ये हमारे साथ सोनमर्ग से स्टार्ट हुई थी, सोनमर्ग से ही बर्फ़ का पानी आ रहा है इस नदी में बहकर। और अभी ये द्रास में भी साथ में थी और अभी कारगिल रोड पर हम पहुँच चुके हैं, तो कारगिल में भी हमारे साथ है। और ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये कारगिल के पहाड़ हैं पूरे। तो आगे कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो वाले पहाड़ भी आएंगे, तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये नदी आगे पाकिस्तान के एरिया में भी जाएगी, तो आगे एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पर इस नदी के एक साइड में इंडिया होगा तो दूसरी साइड पाकिस्तान, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। वो कारगिल के जो पहाड़ हैं ऊपर जाके वहाँ से देखने को मिलेगी, नीचे मिलिट्री वाले अलाउड नहीं करते हैं उस एरिया में, वो आर्मी एरिया है। दोस्तों अभी थोड़ी देर के अंदर हम कारगिल पहुँचेंगे, अभी तक हम कारगिल नहीं पहुँचे हैं। और कारगिल पहुँचने के बाद में हम वहाँ पर ही नाइट स्टे करेंगे और नाइट स्टे करने के बाद में 2nd डे हम लेह के लिए निकलेंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने खतरनाक पहाड़ हैं, यहाँ पर कभी भी आपके ऊपर पत्थर आ सकता है, पत्थर आदमी नहीं फेंकेंगे, पत्थर लैंडस्लाइड की वजह से आते हैं, जैसा कि हमारे ऊपर सोनमर्ग में आया था। सोनमर्ग में पहाड़ पे से लैंडस्लाइड हुआ तो करीब ये मान के चलिए 5-1 किलो का पत्थर हमारे ऊपर आया था, लेकिन हम 1 सेकंड पीछे रह गए। अगर हम 1 सेकंड अगर आगे भी होते तो वो पत्थर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला था और हमारी बाइक गिरने वाली थी, कुछ भी हो सकता था हमें। और इसी तरीके से यहाँ भी कभी भी पत्थर कहीं से भी गिर सकते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो सावधानी पूर्वक ही ड्राइव करना पड़ता है, तो हम सावधानी से ही चला रहे हैं। दोस्तों कभी भी आपकी आँखों के सामने से पूरा रोड गायब हो सकता है, जैसे कि आपको रोड दिख रहा है लैंडस्लाइड होएगा तो रोड भेज जाता है, तो आपको वहीं रुकना पड़ जाएगा। फिर ये मान के चलिए आपको हो सकता है नाइट भी वहीं स्टे करना पड़े। तो आप जब भी राइड पर जा रहे हैं और ऐसे इलाके से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप अपने साथ खाने की भी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा रखें, और फास्ट फूड बनाने के लिए जैसे मैगी वगैरह है और चीज़ें, वो आपको साथ रखना चाहिए, क्योंकि साथ नहीं रखोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह ऐसी है कि जहाँ पर हम फंस गए और हमें कुछ आगे कोई शॉप वगैरह या कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिली और हमें नाइट वहाँ पर ही रुकना पड़ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाने की कुछ चीज़ें हमें साथ रखनी चाहिए। दूसरा, हमें कैंपिंग टेंट भी होना चाहिए, जैसे कि हमारे साथ 5 या 6 राइडर हैं हम, तो एक कैंपिंग टेंट तो कम से कम होना चाहिए,
छः लोगों की कैपेसिटी वाला, जिससे कि हम नाइट में कहीं पर भी उसको लगा के रुक सकें और स्टे कर सकें और हमें परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। तो दोस्तों ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये हमें राइडिंग के टाइम याद रखना पड़ता है। लेकिन कई लोग क्या है कि बिना तैयारी के आ जाते हैं, तो उसमें क्या उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे, क्योंकि राइडर बहुत आते हैं यहाँ पर करीब। ये मान के चलिए आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर एक किलोमीटर में राइडर नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो राइडर पूरी हेल्प करते हैं, और हमारे फौजी भाई और लोकल पुलिस भी आपकी हेल्प करेगी, वो भी आपको मना नहीं करेंगे। अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो वो आपकी पूरी मदद करते हैं यहाँ पर। तो बिंदास होके आप यहाँ पर आइए, राइड पर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अभी देख रहे हैं आप, अभी भी हम पहाड़ों के अंदर ही चल रहे हैं और नदी हमारे साथ साथ में चल रही है और कारगिल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं हम। दोस्तों आज हमें सोनमर्ग से जोजिला पास के लिए जो रोड था वो पहाड़ी एरिया मिला है, और वहाँ पर ही हमें रोड ख़राब मिला है। और जोजिला पास के बाद में जो हमें रोड मिल रहा है वो हाईवे रोड मिला है, कंटिन्यू अच्छा रोड मिला है। तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा जोजिला पास के बाद, तो अभी तक तो हमें अच्छा रोड मिल रहा है और अच्छे रोड पर हम ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, सामने टूरिस्ट रुके हुए हैं, अच्छी लोकेशन देख के उन्होंने अपनी कार को यहाँ पे रोका है और फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। भाई कौन सा गांव है ये? कानूचू दरीचू दरीचू। दोस्तों अभी एक गांव आया था जिसके बारे में हमने बच्चों से पूछा था, तो बच्चों ने बताया कि दर्री खींचू नाम का जो गांव है जो नदी के लेफ्ट साइड में है और हम नदी के राइट साइड में चल रहे हैं। तो आप यहां लोकेशन देखिए, नदी के उस साइड में देखिए आप, ग्रीन घास आपको मिलेगी और इस साइड में अगर आप देखोगे तो इधर पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी पहाड़ चल रहा है इधर, इधर कोई घास वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन आप लेफ्ट साइड में जब नज़र डालेंगे तो इधर आपको घास ही देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी हमने कारगिल में एंट्री कर ली है और ये कारगिल के अंदर हम पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ग्रीन व्यू, ये भी कारगिल का ही हिस्सा है और ये लेफ्ट साइड में इसके लिए ब्रिज बना रखा है। तो ब्रिज पार करके उधर जो मकान है वहाँ पर जाने के लिए रास्ता है, और ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये कारगिल सिटी के अंदर जा रहा है, ये मेन सिटी के अंदर जाके एंड होगा। दोस्तों फाइनली अभी हम कारगिल पहुँच चुके हैं और अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है और कल हम निकलेंगे लेह के लिए। तो अभी हम नाइट कारगिल ही रुकेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल राइडर्स आइकन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन बजाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके।